का काम तमाम, ये गोली लो, दो खाना सुबह दो खाना शाम, ऐसी इनकी शायरियां चलेंगी। भैया एक को एकदम कम रखना है ना, मैं जब बोलूंगा तब मुझे दे देना। हाँ अभी अभी एकदम नॉर्मल, पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना? आपका कान ठीक है? हाँ अच्छा दादा एक चीज और देखो, इस तरफ इन्होंने ज्योति को लगा के रखा है, इधर निशा को लगा के रखा है, दोनों तरफ से दोनों लगी हुई हैं। बोले राज सोनी जी जब आप आएंगे तो बीच में एलईडी पे आपको दिखा देंगे, ऐसी आपकी फोटो ठीक ठाक आ नहीं रही है, अंधेरे में मैं ठीक से दिखता नहीं हूँ। अच्छा कहते हैं कि छठ पूजा के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है और इतनी सारी भीड़, इतनी तादाद में आप यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल किया, भाई पुष्कर जी और साथ ही साथ हमारे दिनकर भाई, उनका आभार। कहते हैं कि आदमी मर जाता है, मनुष्य मर जाता है लेकिन आत्माएं अमर होती हैं, तो आप सब आत्मा हैं। तो रंग बिरंगी पोशाकों में उपस्थित सभी विभिन्न विभिन्न तरह की अच्छी बुरी बेमान खूबसूरत बदसूरत सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जितनी वी आई पी आत्मा बैठी है उनको वी आई पी प्रणाम। जो आत्मा आज अपनी फीमेल आत्मा से अलग अलग बैठे हैं उनको अलग अलग प्रणाम। और इधर भी हमारी कुछ वीआईपी आत्माएं बैठी हैं सर, आपको दंडवत प्रणाम सर। और हमारे दोस्त, हमारे युवा दोस्त मोबाइल वाले आत्मा, आपको भी प्रणाम। और खास तौर से जिनकी फीमेल आत्मा आज नहीं आई है, घर जाकर मेरी ओर से उनको प्रणाम कर लीजिएगा। अच्छा सर केवल आत्मा आप लोग नहीं हो, ये जो कैमरामैन है ये भी आत्मा है, लेकिन ये बेचैन आत्मा है। किधर कैमरा लगाए, किधर से सही आएगा, ये बेचैन आत्मा है। ये जो हमारे म्यूजिशियन है, ये जो हम हैं, हम भी आत्मा हैं, लेकिन हम भटकती आत्मा हैं, भटकते रहते हैं, वहां कार्यक्रम वहां कार्यक्रम। ये जो दिनकर जी हैं ये आत्मा लगते हैं लेकिन है नहीं, ये तांत्रिक हैं जो हम जैसी आत्माओं को पकड़ पकड़ कर आपके बीच लाते हैं। तो एक बार इनके लिए तालियां बनती है भाई जोरदार। अच्छा देखिए ताली बजाने का महत्व है, जो महत्व है बोलने में तालू का, जंगल में भालू का, मसाले में बालू का, सब्जी में आलू का और बिहार में लालू का। जो महत्व है नेपाल में मोरू का, कुवारों के लिए जोड़ू का, रिलेशन में साढ़ू का, केजरीवाल के लिए झाड़ू का और बिहार में दारू का। जो महत्व है शादी से पहले सगाई का, शादी के बाद विदाई का, शहरों में घर जमाई का, मुंबई में भाई का, ठंड में रजाई का। वही महत्व है बाग में माली का, होटल में लाली का, पुलिस में गाली का, मकान में नाली का, कान में बाली का, पूजा में थाली का, मजाक में साली का और हमारे कार्यक्रम में आपकी ताली का। तो ताली बजाएंगे तो मजा आएगा हमें भी। मैं समझता हूँ लड़कों से बढ़िया कोई नहीं होता है, लड़के इतने बढ़िया होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। आप उदाहरण देख लो, अभी आप कोई लड़का एक दूसरे के यहाँ चला जाए, एक दूसरे की, या फिर कोई लड़कियाँ एक दूसरे से मिल ले, एक दूसरे से जब दो लड़कियाँ मिलेंगी ना, देखिए बोलेंगे ओह माय गॉड कितनी खूबसूरत लग रही तू, वाओ ओह माय गॉड, है ना। और दो लड़के जब एक दूसरे से मिलेंगे, अबे कमीना कहाँ था तू, हट पागल इतना दिन से बेटा साला, ये करेंगे। अब जब दोनों जुदा होंगे, ठीक है, अब लड़के जब जुदा होंगे, बाद में आए पास आए तो गाली देते हुए बात की, जब जा रहे हैं अरे यार बहुत अच्छा लड़का, मेरा दोस्त है यार, जिगरी यार है यार। अब लड़कियां वहां आकर तारीफ कर रही हैं, वाह जैसे गई, कितनी गंदी लग रही थी, जबरदस्ती तारीफ करना पड़ा हमको, एकदम बढ़िया नहीं लग रही थी। अच्छा दो लड़कियां जब आपस में मिल जाए भैया, है ना, दो लड़कियां आपस में मिल जाए, आकर कहेंगी तुम्हारा भाई बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा भाई बहुत स्मार्ट है, तुम्हारा सेटिंग करा दो, सेटिंग करा दो। लेकिन लड़कों की ईमानदारी देखो, एक दूसरे की बहन से मिलेंगे भी, एक दूसरे दोस्त जान रहे उसकी बहन बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं बोलेंगे सेटिंग करा दो। तो लड़के अच्छे हुए कि नहीं हुए यस। अच्छा मुझे तो लड़कियों का एक बात और समझ में नहीं आता है, आप देख लो ये जो लड़कियां होती हैं शादी के पहले, शादी के पहले इनकी चाल देख लो एकदम गजब रहेगी, कैटवॉक करेंगी। यही लड़की पता नहीं इसको शादी के 10-15 साल के बाद क्या हो जाता है, मॉर्निंग वॉक पर तुम्हें ऐसे चलती हुई दिखेंगी। एक दो तो आगे निकल जाएगी, तो एक थक गई मोटी हो गई ज्यादा, जाने दीजिए मिट्टू का मम्मी क्या कीजिएगा, उसका शरीर पतला है चली गई आगे, हमारा तो दमे फूलने लगता है, क्या कीजिएगा, लौट के तो फिर इधर आएगी, यहां से पकड़ लेंगे फिर वापस चले जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छा जब इनकी शादी हो रही हो, जब किसी लड़की की शादी हो रही हो, विदाई हो रही हो, ऐसे सारे कैमरामैन आ जाए, अब ये रो भी रही है मम्मी, अब इधर देखो कैमरामैन मम्मी, उधर जाके कैमरा नहीं लगा सकते आप, अच्छा नहीं आ रहा होगा।
अच्छा मम्मी इसकी रोती रोती भी सबसे मिलवा देगी, इसकी मम्मी रोते रोते सबसे मिलवाएगी। ये रो रहा है, ये रो रही है, पिंकी नाम है, पिंकी रो रही है। अब मम्मी का रोया हुआ हो गया, बेटी मौसी है, मौसी। अब रोते रोते सर मौसी के पास भी जा रही है, मौसी। अब आधा मिली भी नहीं, कह मामी। अब मामी को ढूंढ रहा, तो मामी सुबह सुबह खाना खा रही है उधर जाके छुप के। कोई जा कह रहा है, मामी पिंकी का विदाई और आप खाना खा रहे, क्या करें हो, हमको सुबह सुबह भूख लग जाती है। अब इसको पकड़ के लेके गया, चली चली जा रही है। अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिल रही है, मामी पिंकी फोन कीजिएगा। फोन कैसे करेंगे, फोन नंबर लिए है जो फोन करेंगे। तो अब ये मामी भी मांग रही है, तो फोन नंबर दीजिए ना, लिखिए 9 46 625। अब मामी बोल रही है, पिंकी कोनो एगो भाषा में बोल लीजिए। तो बोली नो, बोली का है, अरे लिखिए ना। अच्छा इतना कुछ हो जाए फिर भी विदाई जब हो जाए, अब दुल्हा लेकर जा रहा है, रास्ते में जो लड़की है जा रही है, जा रही है। अच्छा आजकल की लड़कियां खोजती हैं ऐसा घराना, आजकल की लड़कियां खोजती हैं ऐसा घराना जहां सास कहे बहू तुम रील्स पे वीडियो बनाओ मैं पकाती हूं खाना। ऐसा माहौल हो गया। अब लड़की की विदाई हो रही है, वो गाड़ी में बैठी है, 1 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल गया, अचानक से रोना शुरू कर दिया। पति पति बड़ा उसमें प्यार आता है, नया नया है, एक लड़की को देखने के लिए पूरा खानदान जाता है, बाद में वो अकेली लड़की पूरे खानदान को देख लेती है। अब ये इसको लेके जा, ये बड़े प्यार से पूछ रहा है, क्या हुआ मम्मी की याद आ रही है? नहीं। अच्छा अच्छा पापा की आ रही होगी? नहीं। भाई की? नहीं। बहन की? नहीं। तो रो क्यों रही हो? मेरा चार्जर छूट गया। ये मोबाइल का जमाना है साहब, मोबाइल का जमाना है। अच्छा किसी का मोबाइल अगर किसी के यहाँ छूट जाए ना, तो लोग ऐसे घबराता है जैसे उसका भोली भोली वाली पत्नी को शक्ति कपूर के पास छोड़ आया हो, ऐसा माहौल हो जाता है। अच्छा देखो महिलाओं का एक चीज़ और देखो आप, कि महिलाएं इतना सज संवर कर मंदिर वगैरह भी जाती हैं, समझ में नहीं आता है, इतनी सज संवर कर मंदिर जाती हैं, समझ में नहीं आता दर्शन करने जा रही हैं कि दर्शन देने जा रही हैं। अच्छा कुछ महिलाओं का तो ये हाल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, जिनका ध्यान भगवान पर नहीं रहता मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक तरफ इधर वो मंदिर भी जाएंगे तो ऐसे जगह पर जूता चप्पल सैंडल खोलेंगी जहां से भगवान भी दिखे और जूता चप्पल भी दिखे। भजन गाएंगी तो ऐसे गाएंगी, जय अम्बे गौरी मैया जय सैंडल। मैंने देखा मंदिर की सीढ़ी पर बैठी एक औरत रो रही थी, उसको देखकर दूसरी महिला बोली, क्या हुआ बहन क्यों रो रही हो? तो रोने वाली महिला बोली, क्या बताऊं बहन, पति से झूठ बोलकर नया नया सैंडल खरीदा था, पता नहीं कौन चोरी करके ले गई। तो दूसरी महिला जो थी वो शायराना अंदाज में बोली, अच्छा मेरी बात जिसको समझ में आ जाए वो हंस दीजिएगा ताली बजा दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए वो भी हंस दीजिएगा ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो बगल वाले को पता चल जाएगा कि आपका देर से काम करता है। हाँ अपना अपना ख्याल खुद रखना है। बोली, बहन पति से झूठ बोलकर नया नया सैंडल खरीदा था, पता नहीं कौन चोरी करके ले गई। तो दूसरी महिला जो थी वो शायराना अंदाज में बोली, बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। सुन तुझसे एक बात कहनी है, मैंने भी दूसरे की पहनी है। इस पर रोने वाली महिला का जवाब सुनिएगा, रोने वाली महिला बोली, बहन बात तो तेरी सही है, बहन बात तो तेरी सही है, मगर तुमने जो पहनी है मेरी यही है। तो हमें ऐसी स्थितियों से भी बचना चाहिए। अच्छा सच्चे दिल से बताना कितने ऐसे लोग हैं जो नंगे पांव दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर, एक बार हाथ खड़े करके बताइएगा भैया, 1 2 2.5 3 3.5 4। गौर से देखिए यही वो लोग हैं जो बदल बदल कर लाते हैं।